देश भर दे विच लगभग 3 महीने लॉकडाउन रहने तो बाद हुण जिहड़ा अनलॉक है शहर हो गया है, पर कोरोना दा जिहड़ा खतरा है हाले भी टलिया नहीं हैगा। इस करके जिहड़ियां हिदायतां ने उह सारे ही जिन्ने भी लोग इत्थे काम कर रहे ने, काम करने से बाहर जा रहे ने, अज कोई भी व्यवसाय हैगा उहनां नूं लैण दे लई कहा गया है। खास तौर ते जिहड़ा सैनिटाइजर है हर जगह तुहानूं उपलब्ध करवाना पएगा, ते उस दे अलावा जिहड़े मास्क है उह तुहाडे और तुहाडे जिहड़े कस्टमर हैगे उहनां दे लगे होने चाहीदे ने। कुछ व्यवसाय अजिहे हुंदे ने जिन्हां दे विच तुहानूं पब्लिक डीलिंग करनी पैंदी है, एक दूजे दे संपर्क दे विच आउणा पैंदा है, ते सलून अजिहा ही एक प्रोफेशन हैगा जिहदे विच तुसी किसे ना किसे दे कॉन्टैक्ट दे विच जरूर आने हो। अज एक अजिहे सलून दे विच मैं आई हां जिथे तुसी देख रहे हो मेरे पिछे। सलून दे जो मालक हैगे ने मोहम्मद जी, इन्हां ने पीपीई किट पाई हुई हैगी है, ते उस तों अलावा जिहड़े अपने इन्हां दे कस्टमर आए हुए ने ते उन्हां दा जिहड़ा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ वैसे थोड़ा थोड़ा सेम सेम सा ही है, जैसे हम पहले स्टेलाइजर जो है प्रोसीजर करते थे, स्टेलाइजर तो करते ही थे, बट हम सैनिटाइजर नहीं यूज करते थे, बहुत ज़्यादा ग्लव्स नहीं यूज करते थे, जैसे हम हेयर कलर लगाते तब ग्लव्स यूज करते थे, और पीपीए किट तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी लाइफ में यूज करेंगे, तो अभी हमने पीपीए किट डाल रखी है, और जी सैनिटाइजर हमारे पास है, एक थर्मल स्कैनर हम यूज कर रहे हैं, वो भी हाँ जी, तो थर्मल स्कैनर जब जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमने गेट पे सैनिटाइजर लगा रखा है, ठीक है जी, पहले उनके हैंड वॉश करवाते हैं उससे, ठीक है जी, फिर टेम्परेचर चेक करते हैं हम, फिर उसके बाद क्लाइंट को अंदर आने देते हैं। इसके अलावा हमने जो है ये 5 चेयर थी हमारे पास सलून में, तो हमने 2 चेयर उठा के रख दी सोशल डिस्टेंसिंग करके कि थोड़ा सा वो है, तो देख सकते हो आप एक चेयर वहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, एक ऊपर लगी हुई है वहाँ पे, तो इस तरीके से हमने किया है सारा कुछ, बाकी सब कुछ हम इस तरीके से कर रहे हैं। ये हमारी कटिंग सीट पैक है, तो आपको पता है कटिंग सीट हमारे पास कम से कम 20 से 30 होती है ऑलरेडी सलून में ना, तो 20 से 30 कटिंग सीट होती है, एक दिन में अगर 30 क्लाइंट भी आए या 10 भी आए तो वो हम रोज उसको वॉश आउट करेंगे, बट अगर किसी वजह से खत्म हो जाती है तो हमारे पास डिस्पोजेबल कटिंग सीट भी है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे को बड़ी हल्की लगी, तो इससे मेरे को ज्यादा खतरा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी यूज करूँ और उसको रोज मतलब वॉश करके दोबारा यूज करूँ, तो बट इसको भी हम यूज कर रहे हैं, कुछ लोग जो डिमांड करते हैं तो हम उनके ये भी लगा देते हैं, और इनको अलग अलग जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग टू बिन में हम इसको डाल रहे हैं, तो इस तरीके से हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ सेफली कर रहे हैं जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग टू।